हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ के बारे में। वैकेंसी कितनी बढ़ सकती है, इजी या हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, प्लस कितना हो सकता है, माइनस कितना हो सकता है, ये देखने वाले हैं। कट ऑफ देखने वाले हैं बेस्ड जो है 1 लाख से प्लस का जो डेटा अपने को मिला हुआ है, बहुत सारा डेटा गूगल फॉर्म का मिला हुआ है, तो उसके हिसाब से कट ऑफ कितना हो सकता है वो डिसाइड करेंगे। शिफ्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है ना, कि हर एक शिफ्ट वाइज कितना कट ऑफ बन सकता है वो भी यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। मतलब ये है कि ओवरऑल हम लोग कंप्लीट और कंप्लीट यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और उनको सारी चीज़ें बढ़िया और बेहतरीन से मिल सकें। तो अगर हम पहली बात करें, तो देखो यहाँ पे हमने निकाला है कुछ चैप्टर वाइज, मतलब टोटल जो एवरेज अपने पास आया है ना, जो बच्चों ने सॉल्व किया हुआ है वो आप देख सकते हो कि डे और शिफ्ट मतलब कितने थे। यहाँ पे हमने डेट और टाइम भी मैंने करवाया था, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो डेट और टाइम तो आपको शायद ना दिख पाए यहाँ पे, लेकिन जितना डेटा दिख रहा है इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे पहले डेटे बात करेंगे, जैसे रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया और इंग्लिश हो गया, और टोटल कितना बना था ना, उस हिसाब से ये अपने पास टोटल दिया हुआ है। हमने देखा कि सर रीजनिंग में 41 भी थे, 20 भी थे, जीके में बहुत ही कम, 15, 16, 16, 19, ये हमने क्या ना कम से ज़्यादा के वाइज लिया हुआ है। तो आपको पहले लग रहा होगा कि सर ये कम है, तो कम और ज़्यादा इस हिसाब से दिया हुआ है, 39, 36, 37, 39। ये फिर अपने पास इंग्लिश का अगर आप देखोगे 34.12, ये एवरेज डेटा है इंग्लिश का। और ये अपने पास मैथ का टोटल एवरेज डेटा है, ये अपने पास आप देख सकते हो कि सर अपने पास ये ऐसा कुछ अपने पास एवरेज आया था। आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर आपका जो था ना, वो कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट था जैसे आप लोगों को कह रहे थे। लेकिन बात क्या हुई ना, कि लड़के जो भी अच्छे लड़के थे, हमने आंसर की भी देखा कुछ लोगों की, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन क्या होते हैं ना, गलत करके आए। इसकी वजह से कहीं ना कहीं नंबर क्या हो गए, वो कम हो गए, और एवरेज जो 128, 125, 123, 100 ये अपने पास बन रहा है। हो सकता है यहाँ पे जो डेटा है ना, वो कहीं ना कहीं प्लस माइनस कुछ 5 फीट 6 नंबर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो जिनके ज़्यादा नंबर हो, उन्होंने डेटा ना फिल किया हो, हो सकता है कुछ ऐसे ही बच्चे फिल किया हो डेटा जिनके पास कम नंबर थे, तो ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देख सकते हो EWS के नॉर्मलाइज मार्क कितने हो गए, ये अपने पास EWS के, और ये बहुत सारा डेटा अपने पास है। हमने सारा डेटा एनालिसिस किया है, कितने एस्पिरेंट थे, कितने अटेम्प्ट थे, कितने करेक्ट थे, कितना एवरेज मार्क्स बना है, तो टोटल 135 के समथिंग कुछ बना था, 135.47, ठीक है। तो ये जो हमने ना पूरा डेटा निकाला हुआ, जैसे अपने पास 15,695 का आपको दिख रहा है, ये एक ही सीट आपको दिख रही है कि सर 15,695 की एक सीट दिख रही है आपकी। इसमें जो टोटल है ना, एवरेज अटेम्प्ट 80 और एवरेज जो नंबर आपको थे 70 थे, तो टोटल करेक्ट जो है 70 करेक्ट है, तो टोटल जो एवरेज बना ना, वो कहीं ना कहीं 130.547 का ये अपने पास एवरेज बना हुआ है। अब इस एवरेज में भी क्या है ना, कि हमने आपको पहले ही बताया कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके अच्छे नंबर हो, और कुछ कम भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने पास एग्जाम ना दिया हो। हमने काफ़ी मेहनत की भाई इस डेटा के ऊपर, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको दिखाते हैं ये। फिर हमने और भी डेटा इसका एनालिसिस किया, उसके बाद बनाया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डबल AO की पोस्ट की, और पिछले साल के कटाप देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। पिछले साल कटाप देखते हैं क्या होता, तो आपको सर 148, 170, ये तो AO का हो गया। ये अपने पास क्या है ना, 2016 से 17 की अगर बात करोगे, तो जनरल की पोस्ट की बात कर रहे हैं, अदर पोस्ट के लिए 137 कटाप, 126.5 2017-18 की, 137 अपने पास किसकी थी, तो आपको 2018-19 में, 147 सर आ गई 2019-20 में, और 132 आ गई 2021-21 में। तो ये अपने पास कट ऑफ था, सभी का डेटा है जो आप देख सकते हो, पूरा कट ऑफ का डेटा आपके सामने और सामने है, ठीक है। इसके बाद क्या है ना, ये तो हमने डेटा दिखा दिया आपको, अब हम बात करते हैं कट ऑफ। आप देख भी सकते हो यहाँ पे कि सर कितनी कट ऑफ थी इसकी, AO की तो छोड़ ही देते हैं अभी, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कितना रिमेनिंग पोस्ट की बात करते हैं। तो अगर हम 2022 की बात करें, तो 2022 में सर जनरल के लिए 114 था, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया 2022 के लिए अपने पास यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ था, और इसके साथ ही कितना था, EWS 102 था, OBC 114 था, SC इतना था। लेकिन भाई वैकेंसी क्या थी ना इसमें, 30,000 प्लस थी, 30,000 प्लस वैकेंसी थी, तो वैकेंसी यहाँ पे मैटर करती है। फिर दूसरा अगर हम बात करें 2020-21 की बात करें, तो जनरल का जो कट ऑफ था वो 132 था और 132 था, ठीक है। और यहाँ पे OBC का 119, SC का 100, ST का अपने पास कितना था, ST का अपने पास कितना था, तो आपको सर 90 थी, और EWS कितना 109, ये अपने पास कटाव था, ये अपने पास कटाव था पिछले साल 2020-21 का, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं बढ़िया सर बेहतरीन से आपको कटाव देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर आप ऐसे ही देख सकते हो यहाँ पे सर 2019-20 का तो 147 नंबर,
फिर आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आगे बढ़ोगे सर 18-19 का तो 137 नंबर। तो ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ बेस्ड है अपने पास एक तो डेटा के हिसाब से और एक प्रीवियस ईयर कितना गया था। अब हम बात कर लेते हैं इस साल की कट ऑफ की कि कितना हो सकता है। तो देखो भाई, ये हमने बनाया हुआ है जो अपने पास एवरेज डेटा है उस हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जनरल कट ऑफ 127 तक हो सकती है और हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर जो है, ये हम ऐसे रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं आपके 5 बढ़ जाएंगे, तो 5 से 6 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं इसके इधर, कि 120 तक भी आ सकता है और 135 तक भी जा सकता है। या आप समझ लो कि 120 से 135 के बीच में अगर आ रहे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आप सेफ स्कोर माना जाएगा। आप लोग क्या है ना, बात मानते नहीं हो, आप लोग हमेशा सोचते हो कि सर ये अपने पास ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो मेरे भाई, आप लोग क्या है ना कि आप डेटा पे बात नहीं करते ज़्यादा, आप डेटा पे ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आपको भी एक बात क्लियर होगी कि आप सही कह रहे हो सर, कहीं ना कहीं इसके आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगा। EWS कहीं ना कहीं 121 या इससे 4-5 कम ज़्यादा मिल जाएगा। ऐसे ही SC और ऐसे ST, ये कहीं ना कहीं आपका बढ़िया और सेफ स्कोर हो सकता है। तो जिनका भी इतना स्कोर है, आप तो मेंस की तैयारी में लग जाओ, बढ़िया और बेहतरीन तरीके से मेंस की तैयारी करो, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपको बढ़िया और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी। कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, और ज़रूर बताना कि कितने स्कोर है, ठीक है। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना कि कितना स्कोर है आपका और कितना स्कोर है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।